दोस्तों GST R यानी कि GST रिटर्न्स का फॉर्म 3B आप कैसे फिल कर सकते हैं, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। आप अगर प्रॉब्लम में है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हो जाएगा आपको ये वीडियो देखने से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों GST R 1 फाइल जो है आपको पहले फिल करना होता है, जो कि हमने कर दिया है। अभी हमें GST R 3B फॉर्म फाइल करना है। उसके लिए आपको सिंपली हमें कंटिन्यू टू डैशबोर्ड में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइल रिटर्न्स में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और सर्च में क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे GST R 3B का फॉर्म मिल जाएगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। प्रिपेयर ऑनलाइन में आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा। अगर आपको नील रिटर्न करना है, यानी कि आपको अगर कोई नील आपका कोई इनकम नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे येस करके नेक्स्ट में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एक OTP जाएगा मोबाइल पे, OTP आप डाल देंगे तो आपका नील फाइल हो जाएगा। और अगर आपको इनकम हुआ है और यहाँ पे आपको नील रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो आप नो में सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से पॉपअप आपका सामने ऊपर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं GST R 1 हम यहाँ फाइल कर चुके हैं, तो हम यहाँ क्लोज में क्लिक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे GST R 3B फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक फिल रहता है, क्योंकि GST R 1 में ये डाटा एंट्री हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर देता है। बस आपको यहाँ में एक एक में क्लिक करना होता है और कंफर्म करना होता है। तो पहले मैं आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद इस तरह से डिटेल्स आपका सामने आ जाएगा। आप जो फिल कर रहे हैं सब एक बार चेक कर लेंगे, आप ज़रूरत पड़े तो चेक करने के बाद नीचे कन्फर्म में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसमें भी क्लिक कर सकते हैं, 3.2 इंटर स्टेट सप्लाइज, इसमें भी आप क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स वहाँ में आ जाएगा। डिटेल्स आने के बाद उसमें भी आप चेक करने के बाद कंफर्म कर देंगे, फिर से ये पेज में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एलिजिबल ITC, यहाँ पे आपको जो भी टैक्स आपका कटेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यानी कि आप अगर कोई चीज़ 100 रुपये से ख़रीदते हैं तो 80 रुपये आपका टैक्स कटा है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया है। ये जो ऑप्शन है दोस्तों एलिजिबल ITC, इसमें आप क्लिक कर देंगे तो आप कुछ इस तरह से एंटर। तो मैंने अपने GST नंबर के ज़रिए कोई भी सामान नहीं ख़रीदा है, इसीलिए मेरा यहाँ पे सब 0 है। आप ख़रीदेंगे तो वो जो आपका टैक्स कटेगा वो यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो आपको यहाँ में शो हो। उसके बाद बैक कर देंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद देखिए आपसे यहाँ में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ में आप सेव GST R 3B में आप क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीव्यू ड्राफ्ट में भी क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रीव्यू जो है दिख जाएगा, आपको एक ड्राफ्ट जो है डाउनलोड हमें हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगा, आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा या फिर आपका मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक कर देना है। तो जिसके पास भी ITC है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। ITC आप अगर यहाँ पे आपका है तो यहाँ में आपका माइनस भी होगा। तो मेरे पास ITC नहीं है तो मुझे नेट पेमेंट फुल ही पेमेंट करना होगा, जो भी मेरा टैक्स है। ITC मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट, साइड में स्लाइड कर देंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रिएट चालान में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ में सेलेक्ट करना है, ई पेमेंट में आपको टच करना है, उसको सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरेट चालान में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। मैं नेट बैंकिंग से करूँगा तो मैं नेट बैंकिंग यहाँ में सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे टिक करना होगा और आपका बैंक भी ऐसे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मेक पेमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका यूज़र नेम डाल देंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे इंटरनेट बैंकिंग का। उसके बाद एक OTP आएगा, OTP को सेंड आपको मोबाइल में किया जाएगा। OTP को टाइप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं फ़ोटो खींच के, यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन ID यहाँ पे है, तो उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप मेक पेमेंट में क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आएगा, यस और नो, आपको यस कर देना है। याद रखिएगा आपको चालान पे करने के बाद ही इसको ऑप्शन में क्लिक करने से आपको यस करना होगा। तो उसके बाद आप यस कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑफसेट सक्सेसफुल यहाँ पे आ गया, ओके में क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सब 000 आ चुका है, मतलब हमारा पेमेंट हो चुका है। उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं, यहाँ में प्रोसीड टू फाइल में क्लिक करके इसमें आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ में टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल GSTR 3B with EVC में आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपका मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद वेरीफाई में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में फाइल हो चुका है GSTR 3B, और यहाँ में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया जाता है, यह आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे। आने के बाद देखेंगे यहाँ पे GSTR 3B फॉर्म फाइल हो चुका है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस।